प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। रंगों की दुनिया को तूने बनाया, झिलमिल सितारों को तूने सजाया, धरती के जल में हलचल मचाया, धरती के जल को नभ में समाया, नभ में विचरते पक्षी ये सारे तेरी कृति की प्रशंसा ये गाते, नभ में विचरते पक्षी ये सारे तेरी कृति की प्रशंसा ये गाते। खूबसूरत है ये वादियाँ, खूबसूरत है सारा जहाँ, खूबसूरत है मेरा खुदा, खूबसूरत उसकी हर अदा। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज शुभ संदेश को द्वारा परमेश्वर का वचन आप लोगों को बीच में लेके आने के लिए, प्रभु दिया हुआ इस सुंदर मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसका पद 9, मत्ती गॉस्पल चैप्टर 6 वर्स 9। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। दुनिया में विभिन्न प्रकार का धर्म है, तत्व शास्त्र है, संप्रदाय है, लेकिन बाइबल में ही परमेश्वर को पिता बोलकर, केवल बाइबल में ही परमेश्वर को पिता बोलकर प्रकट किया है। अभी हम लोग पढ़ा हुआ इस पद का आगे पीछे देखा है तो, नहीं तो मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 6 में हम लोग पढ़ा है तो, बहुत बार पिता बोलकर इस पद, फादर बोलकर इस पद को रिपीट होता है। उसका पहला आदत, उसका पहला पद हम लोग पढ़ा है तो, उधर एक स्वर्गीय पिता का बारे में हम पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद उसका 6 में पढ़ा है तो, उस स्वर्गीय पिता पृथ्वी में क्या क्या हो रहा हूँ वो देखने वाला पिता है बोलकर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद उसका 9 पढ़ा है तो, इस स्वर्गीय पिता पृथ्वी में सब कुछ देखने वाला पिता ये पवित्र पिता है बोलकर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद उसका 14 में जब आएगा, इस पिता पाप को क्षमा करने वाला पिता है। उसके बाद उसका 26 में जब आएगा, इस पिता सबको खिलाने वाला पिता है। उसके बाद उसका 30 में जब आएगा, इस पिता वस्त्र पहनाता है बोलकर हम लोग पढ़ता है। उसके बाद उसका 32 में जब हम पढ़ता है, इस पिता को सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानने वाला पिता। सो इस पिता का बारे में बहुत कुछ चीज इस अध्याय में, नहीं तो इस पिता का गुण और इस पिता का नाम, बहुत कुछ चीज हमको पढ़ने के लिए मिलता है। सो ये स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग है उसका घर, स्वर्गीय पिता है, लेकिन इस पृथ्वी में क्या क्या है उसका नियंत्रण में है। इस पृथ्वी में क्या क्या होता है उसका नियंत्रण में है। आत्मीय लोग छुपा कर करने वाला चीज भी, आत्मीय लोग को दिल में होने वाला सोच भी वो देख सकेगा। उसका आंखों को दृष्टि से कुछ भी चीज छुपा कर रखने के लिए नहीं सकेगा। सो ये स्वर्गीय पिता है निश्चय, लेकिन उसका साथ साथ इस पृथ्वी को नियंत्रण करने वाला, नहीं तो इस पृथ्वी को सारा चीज उसका आंखों को नीचे में है। लेकिन ये भी मन में रखिए, ये स्वर्गीय पिता है, पृथ्वी उसका नियंत्रण में है, लेकिन ये पिता पवित्र 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 पिता है। दूध लोग पवित्र 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 बोलकर आराधना करने वाला पिता है हमारा पिता। यीशु मसीह को बहुत लोग न्याय किया है, विस्तार किया है,
लेकिन सब लोग मिलकर एक चीज बोला, वो निर्दोष है। यीशु मसीह को न्याय किया, विस्तार किया हुआ लब सब लोग को वो एक चीज में मिलावट था, वो पवित्र है बोलकर बोलने के लिए। और उसका 14 में जब हम पढ़ते हैं, इस पिता हमारे पापों को क्षमा करने वाला पिता है, वो पाप क्षमा करने के लिए उसका अधिकार है, क्योंकि पाप का क्षमा के लिए दाम वो दे चुका है। पाप का क्षमा के लिए दाम दे चुका एक ही पिता है, हमारे प्रभु। उसके बाद उसका 26 से जब पढ़ेगा, इस पिता स्वर्ग में रहता है, पृथ्वी को नियंत्रण करता है, इस पिता पवित्र है, इस पिता हमारे पापों को क्षमा करता है, और इस पिता इस मानव जाति का नहीं है तो इस पृथ्वी में हम लोग का नहीं है तो हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला पिता है, हमको खिलाने वाला पिता, हमको पहनाता है वो पिता, हमारे ऊपर सोचने वाला पिता है। इस परिस्थितियों में, इस कोविड का बीच में, इस कोरोना सीजन में हमारे ऊपर सोचने वाला है, हमको संभालने वाला है हमारा पिता। और उसका 32 जब हम पढ़ेगा, इस पिता को सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानने वाला पिता है, उससे छुपा कर रखने के लिए कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ उसका सामने खुला हुआ है। सो ऐसा एक पिता का साथ उधार पाया हुआ लोग एक संबंध में आया है। सो इस पिता स्वर्गीय पिता है, इस पिता पृथ्वी में क्या क्या है उसका नियंत्रण में है, क्या क्या हो रहा हूँ उसका नियंत्रण में है, कोई भी चीज उसको छुपा कर रखने के लिए नहीं सकेगा। और इस पिता पवित्र है, इस पिता पाप को क्षमा करने वाला पिता है, इस पिता हमारे ऊपर सोचने वाला पिता है, इस पिता हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला पिता है, इस पिता हमारा सब कुछ, हमारा सोच विचार सब कुछ जानने वाला पिता है। सो ऐसा पिता का साथ हम लोग को एक, हम लोग एक संबंध में आया तो, नहीं तो हम इस पिता पुत्र संबंध में आया तो हम लोग इस पृथ्वी में जब जी रहा हूँ, हम लोग कैसा जीना है वो ये उसको 33 और 34 में हम लोग को पढ़ने के मिलता है। उस पिता का राज्य के महिमा के लिए, यानी तो उस पिता का राज्य का वृद्धि के लिए काम करो, और उस पिता का राज्य का वृद्धि के लिए जब काम करते रहेगा, कल का बारे में हम लोग चिंता करने का भी जरूरत नहीं। सुप्रति में इस पिता हमारा पिता है तो, इस पिता के साथ हमारे लिए एक व्यक्ति का संबंध है तो, हम लोग कैसा जीना है उस पिता का राज्य का वृद्धि के लिए काम करो, और इस प्रति में जब हम जी रहा हूँ कल का चिंता का बिना हम लोग जीना है। और मुझे सुनने वाला कोई भी इस पिता के साथ एक व्यक्ति के संबंध में अभी तक नहीं आया तो आज भी एक मौका है, आप उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करता और प्रभु बोलकर स्वीकार कर इस प्रभु के साथ एक संबंध में आने के लिए। और इस पिता हमारे लिए घर बना रहा हूँ, वो जल्दी बादलों बरा रहा हूँ। सो उसके लिए उसको मिलने के लिए, उसका साथ मिलावट होने के लिए हम लोग तैयार कर रहना है। और मारा नादा प्रभु हम सबको सहायता करो, परमेश्वर का नाम को महिमा हो।